दोस्तों आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ। बहुत सारे काम थे इसलिए बहुत बिजी पड़ गया था, बट आप लोगों को भूले नहीं। आप लोगों के लिए फिर से मेरा चैनल में मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा फॉर ओनली यू गाइस। तो पहले मेरा चैनल को आप फिर से मैं याद दिला देता हूँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए। मेरा चैनल को तो पता है ना आपका नाम क्या है, करियर गाइड एक्सपर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट। जो लोग नया है वो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का मैं हम लोगों का चर्चे का बात क्या है, आज देखिए हम लोग चर्चा करेंगे फैसाई लाइसेंसिंग और फैसाई रजिस्ट्रेशन सिस्टम का बारे। फैसाई मतलब क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, सब लोगों को बिजनेस होते हैं, ऑफिशियल लोग भी होते हैं, सब लोगों को ये कहना है कि फूड सेफ्टी लाइसेंसिंग सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है और रजिस्ट्रेशन क्या करना है, हर एक का फीस क्या है, हाँ कंटेंट क्या रहता है। चलिए देखते हैं। फैसाई तो आपको पता है खूब बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अंदर एक्चुअली ये काम करता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑपरेटर इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्केल ऑफ बिजनेस। चलिए दोस्तों फैसाई लाइसेंस के बारे में अभी एक बात कर लेते हैं। फैसाई लाइसेंस क्या होता है? देखिए दोस्तों फैसाई लाइसेंस एंड फैसाई रजिस्ट्रेशन दो टाइप का होता है। जो एफबीओ यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर का एक्चुअल टर्नओवर 12 लाख का नीचे है उसको आपको क्या चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, और टर्नओवर 12 लाख का ऊपर है उसको लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस दो टाइप का होता है, एक स्टेट लाइसेंस, एक आपका सेंट्रल लाइसेंस। बट आप ध्यान रखिए ये लाइसेंस ना 14 डिजिट का होता है। वो डिजिट क्या क्या इम्प्लाई करता है मैं उसको बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए किसी का लाइसेंस है 1221601730287। पहला वाला जो 1 है वो क्या इम्प्लाई करता है, वो इम्प्लाई करता है ये रजिस्ट्रेशन है क्या, लाइसेंसिंग है। तो रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो ये 1 होगा, लाइसेंस होगा तो 2 होगा। जो सेकेंड वाला है 22, वो है आपका स्टेट को, मतलब कौन सा स्टेट से ये लाइसेंस अप्लाई किया गया। जो फिर 2 डिजिट है वो है ईयर, कौन सा ईयर में लाइसेंस जनरेट हुआ। फिर 2-3 डिजिट है वो है क्वांटिटी, और लास्ट वाला जो 6 डिजिट है वो आपका परमिट नंबर। तो दोस्तों आपको पता चल गया क्या है, मैं डिटेल्स इधर दिखा देता हूँ आपको एक बार, आप देख लीजिए। पहले है फर्स्ट डिजिट, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट, सिक्स सेवन एंड फोर्थ एट डिजिट, नाइन्थ एंड टेन डिजिट। टाइप ऑफ फैसाई लाइसेंस इन इंडिया एक सर्वे किया हुआ है, दिया हुआ है। ओके आपको तो मैं बता ही दिया जे एक्चुअली आप मिनिमम 1 साल के लिए फैसाई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशू कर सकते हो, मैक्सिमम 5 साल के लिए। तो मेरा सजेशन है जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स है, जो खुद से बनाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ही चीज है, वो 2-3 साल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरे बार जब आप लाइसेंस के अप्लाई करोगे, अगर आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, इससे अच्छा है आप 2 साल के लिए कर लो, देन आपका बिजनेस का टर्नओवर अगर बढ़ गया तो 12 लाख का ऊपर चला गया तो आप फिर से ना इसके लिए लाइसेंसिंग अप्लाई कर दो। तो लाइसेंस का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, स्टेट लाइसेंस करोगे तो 2000 रुपये लगेगा, और रजिस्ट्रेशन करोगे तो सिंपली 1 साल के लिए 100 रुपये लगेगा। तो स्टेट फैसाई लाइसेंस ये देखिए ये है। सेंट्रल फैसाई लाइसेंस के लिए क्या होना चाहिए, जिसका टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है तो उसको सेंट्रल फैसाई लाइसेंस चाहिए। फैसाई रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर यह है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म ए है। आप जब ऑनलाइन एक पोर्टल है www.foodlicensing.fssai.gov.in, मैं उसको इधर लिख दूंगा, आपको परेशानी का कोई बात नहीं। अगर आप
रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आपको फॉर्म ए फिल करना पड़ेगा, अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फॉर्म बी फिल करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है दोस्तों, अभी इसमें कोई मतलब ऑफलाइन कुछ प्रोसेस नहीं है। आपको फीस डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है ऑनलाइन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफिकेशन नहीं होता है, बट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो है हमारा तो फैसा ही कहा, वो लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड है और जो प्रोसेसिंग एंड है उसमें जाएगा और फिजिकली वेरीफाई करके देन रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसका बाद आपका लाइसेंस क्लियरेंस मिलेगा। चलिए दोस्तों, आधार लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के क्या है, जीएसटी तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस चाहिए, अच्छा शॉप एंड एस्टेब्लिश रजिस्ट्रेशन, बार लाइसेंस के लिए क्या चाहिए हम देख लेते हैं एक बार। इफ़ योर रेस्टोरेंट सर्व लिकर अलॉन्ग विद फूड प्रोडक्ट इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन लाइसेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट टू सर्व लग्जरी आइटम्स सच एज अल्कोहल, रिमेंबर द जीएसटी चार्ज ऑन द अल्कोहल फॉर कंजम्पशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फूड सर्विस। एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी कि जो फैसाई एप्लीकेशन में लिए जो फैसाई सेंट्रल लाइसेंस आप अप्लाई करोगे तो 7,500 रुपये एक साल के लिए लगेगा। तो इधर आप देख सकते हो 100 रुपये क्या है, जो गवर्नमेंट फीस है 100 रुपये, क्विक कंपनी 1999, अटॉर्नी और प्रोफेशनल तो 5,000, गवर्नमेंट फीस 5,000, क्विक कंपनी 8,999 और अटॉर्नी और प्रोफेशन 30,000। गवर्नमेंट फीस सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7,500, क्विक कंपनी 1,599 और अटॉर्नी 20,000। ये वगैरह फीस वगैरह आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आप देख लेते हो आप कितना क्या फूड बिजनेस कैटेगरी है, कैटेगरी है आपका डेयरी यूनिट, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्लॉटर हाउस, मीट प्रोसेसिंग, एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड यूनिट, फूड बिजनेस ऑपरेटिंग इन टू और मोर स्टेज, फूड कैटरिंग सर्विस, लिस्ट ऑफ फूड बिजनेस एंड अंडर द परव्यू ऑफ फैसाई रजिस्ट्रेशन। ये देखो सब पेटी, रिटेलर, प्रोक्योरमेंट हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 500 लीटर ऑफ मिल्क पर डे, स्लॉटरिंग हाउस विद कैपेसिटी ऑफ 2 एनिमल्स और 10 स्मॉल और 50 पोल्ट्री बार्ड, इसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो आपको देख ही लिए ना, अगर वैलिडिटी ऐसा है तो आपको अगर कोई भी लाइसेंस एक साल के लिए आप अप्लाई किए हो उसका 30 डेज पहले, एक्सपायर होने का 30 डेज पहले आपको अप्लाई करना है। ये सब चीज वगैरह है, एक्सटेंशंस है, फूड लाइसेंस रिन्यूअल करना है आपको। अगर आप क्या किए, अगर लेट कर दिए तो आपको लेट फाइन देना है, लेट फाइन नोट कर लीजिए, पर डे आपको 100 रुपीज करके भरना है। तो इससे अच्छा है आप टाइमली इसको रिन्यूअल कीजिए। बेनिफिट्स वगैरह तो आपको पता ही है बहुत जगह में। पेनल्टीज है क्या, पेनल्टीज आपको है 10 लाख अगर आपका पास लाइसेंस नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मैं मेरा अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं फैसाई रिलेटेड एग्जाम के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्व आंसर बनाया हूँ, वो मैं चार सेट में मेरा यूट्यूब चैनल में दिया हूँ, अगला सेट के लिए वेट कीजिए। और मेरा चैनल को खूब खूब शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल को अच्छे से आप देखिए, देखते रहिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।